हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करने वाले हैं वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 70। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अपडेट फॉर्म डेटा। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, सो लास्ट वीडियो सेशन में हमने अपने एडिट फॉर्म को क्रिएट किया था, साथ ही साथ जो आईडी हमने यूआरएल में पास किया था उस आईडी के बिहाफ पे उस स्पेसिफिक रो को डेटा को हमने रेंडर कर लिया था। इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करें सो अपडेटेड डेटा को हम कैसे अपडेट करेंगे अपने इस डिवाइसेस टेबल में। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे, ये रहा हमारा एडिट लेआउट। लास्ट वीडियो सेशन में हमने अपने इस फॉर्म के एक्शन यूआरएल को चेंज किया था, डिवाइस मींस डिवाइस डॉट अपडेट जो यूआरएल क्रिएट करेगा हमारा डिवाइस फॉर स्लैश डिवाइस आईडी। साथ ही साथ हमने डायनेमिक तरीके से अपना रिक्वेस्ट मेथड टाइप चेंज किया था फ्रॉम पोस्ट टू पुट रिक्वेस्ट टाइप। अब ये डिवाइस डॉट अपडेट किस मेथड को कॉल करेगा, सो उसके लिए मैं जाऊं टर्मिनल पे, जो डिवाइस डॉट अपडेट होगा इट मीन्स डिवाइस फॉर स्लैश डिवाइस आईडी। अगर मैं इस फॉर्म को इंस्पेक्ट करूं, यहां पर जो यूआरएल क्रिएट हुआ है डिवाइस फॉरवर्ड स्लैश डिवाइस आईडी, ये जो मेथड कॉल करेगा वो होगा हमारा अपडेट मेथड ऑफ डिवाइस कंट्रोलर। इट मीन्स अगर हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे ये कॉल करेगा हमारा अपडेट मेथड ऑफ दिस डिवाइस कंट्रोलर। सो हम यहां पर आने वाले हैं, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे हम इस मेथड के अंदर देख सकते हैं हमारे पास कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, दैट इज रिक्वेस्ट और डिवाइस इंस्टेंस। हम इस डिवाइस इंस्टेंस को यहां से रिमूव करने वाले हैं और हम यह मींस लिखेंगे दैट इज आईडी, क्योंकि हम इस फॉर्म सबमिशन के थ्रू हम इस आईडी को गेट करने वाले हैं। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, इस अपडेट मेथड के अंदर हम इस रिक्वेस्ट इंस्टेंस के थ्रू हम रिक्वेस्ट वैल्यूज को रीड करने वाले हैं, दैट इज नेम और स्टेटस। साथ ही साथ हम अपने यूआरएल के थ्रू जो डिवाइस आईडी हमने पास किया है इस सेकंड वेरिएबल के थ्रू हम उस डिवाइस आईडी को गेट करने वाले हैं। अपडेट मेथड के अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा डिवाइस इंस्टेंस, ये होगा हमारा डिवाइस मॉडल। हम यूज करने वाले हैं फाइंड मेथड और इसके अंदर पास करूंगा मैं डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी के बिहाफ पे हम उस स्पेसिफिक डिवाइस को मींस फेच करने वाले हैं अपने इस टेबल से, और उस फेच करने के बाद हम इस डिवाइस इंस्टेंस के अंदर हम उस डिवाइस डेटा को स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट डिवाइस, हमारे पास जो वैल्यूज अवेलेबल हैं डिवाइस नेम डिवाइस स्टेटस, अब इनके वैल्यूज को हम अपडेट करेंगे और इनके वैल्यूज अपडेट होंगे किसके साथ, सो रिक्वेस्ट इंस्टेंस के थ्रू जो वैल्यूज हमने गेट किया है अपने इस फॉर्म के थ्रू वो वैल्यूज के थ्रू हम अपडेट करेंगे। सो रिक्वेस्ट हम गेट कर रहे हैं नेम वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्म, ये हमारा नेम। नेम एट्रीब्यूट के थ्रू हमने इस नेम वैल्यू को गेट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस, हम यूज करने वाले हैं रिक्वेस्ट इंस्टेंस और सेकंड वैल्यू जो हमने गेट किया है दैट इज स्टेटस, और उसके बाद हम डिवाइस को सेव कर देंगे। सो हम यूज करेंगे सेव मेथड। हमने क्या किया है, बाय द हेल्प ऑफ डिवाइस आईडी जो कि हमने यूआरएल में पास किया है उस आईडी के बिहाफ पे हम सबसे पहले हमने डिवाइस को फेच किया अपने डेटाबेस टेबल से, उनके वैल्यूज को जो कि हमने फेच किया है उनके वैल्यूज को हमने अपडेट किया है अपने फॉर्म के वैल्यूज के साथ, और उसके बाद हमने उसे सेव कर दिया है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट सेशन, सेव करने के बाद हम एक फ्लैश मैसेज जनरेट करेंगे
कि जो हमने क्रिएट किया था अपने फ्लैश मैसेज के लिए दैट इज सक्सेस और यहां होगा हमारा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम रीडायरेक्ट करेंगे सो रिटर्न रीडायरेक्ट और हम जाएंगे अपने लिस्ट लेआउट पे। सो लिस्ट लेआउट के लिए हम कॉल करेंगे डिवाइस डॉट इंडेक्स या डिवाइस यूआरएल। सो मैं यहां पर लिखूंगा डिवाइस, अगर मैं सेव कर दूं ब्राउजर पे जाऊं रीलोड करूं लिस्ट डिवाइसेस, अगर मैं इस डिवाइस टू को अपडेट करना चाहूं एडिट डिवाइस टू अपडेटेड स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव, अगर मैं क्लिक करूं सबमिट बटन पे डिवाइस अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारा फ्लैश मैसेज गेट हो चुका है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं हमारे रो के इंफॉर्मेशन जो कि हमने फॉर्म में पास किया था वो इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं दिस अनदर डिवाइस मींस फोर्थ नंबर आईडी वैल्यू की एंड्रॉइड डिवाइस वैल्यू अपडेटेड स्टेटस इक्वल्स टू इनएक्टिव सबमिट सक्सेसफुली, हमने फोर्थ नंबर रो को भी अपडेट कर लिया है। सो स्टेप बाय स्टेप गाइस हमने अपने इस एडिट बटन पे फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले डेटा को हमने रेंडर किया उसके बाद हमने अपडेट किया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल वर्क ऑन दिस डिलीट बटन, स्टेप बाय स्टेप हम इस कट एप्लीकेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे डिलीट बटन के फंक्शनैलिटी के ऊपर। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।